नंद किशोर यादव जी का जहाँ तक सवाल है, वो बेचारे को अभी इतना ऊंचाई पर ना आ गए हैं, वो चूड़ी बेचने से लेकर शुरू किए थे, वेस्पा स्कूटर से बउआ रहे थे, अभी महिंद्रा का इतना ने एजेंसी ले लिया है, उनका अलबला गए हैं, मंत्री से हटा दिए गए हैं, वो फिर सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं कि चूड़ी की दुकान पर फिर चले जाएं हम, इसलिए वो थोड़ा अलबलाए हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, बीजेपी का उनको पता नहीं है कि उनको कहाँ हटा के रख दिया, पहले मंत्री तो बन जाएं, है ना, कांग्रेस की चिंता नहीं करें, कांग्रेस में नेता की कमी नहीं है, नेता से भरा पड़ा है, वर्कर की अभी थोड़ा घर बैठ गया है, नेता तो अभी बउआ ही रहा है सब जो कर रहा है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, बुझे ना, तो भग उन्हें उनको जो है कांग्रेस की चिंता नहीं करें, नेता विहीन नहीं, नेताओं की कमी नहीं है, और कांग्रेस उनको दिखा देगा कि कांग्रेस क्या है। सबसे पहले जो बीजेपी में वो बोले अब भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी कहना ही बेकार हो गया है, ये वाजपेयी जी अडवाणी जी के चार्ज में जब तक था तब भारतीय जनता पार्टी था, अच्छा। अब मोदी जी जब आए गए हैं तो ये हो गया है भेरा पार्टी, भेरा पार्टी को देखे, भेरी को चलते देखे हैं रोड पर, ये वो आगे चलेगा पीछे मुड़ी जाएंगे सब चल देगा, कुआं में गिर जाएगा तो सब कुआं में गिर जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा कि आगे कुआं है, यही स्थिति होगा उस पार्टी का, एक भी लीडर कोई बोलने के लिए तैयार है कि मोदी जी आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा सुझाव देने के कोई तैयार नहीं है, आप देख रहे हैं दूसरे दल में देखिए, कांग्रेस में है, ठीक है कांग्रेस है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, वो भी है, सब पार्टी है, लेकिन सब अपना बोलता है, विचार रखता है ना, उस पर भले डिस्कशन होता है, एक का पक्ष विपक्ष होता है, बीजेपी में ऐसा नहीं है। और इस तरह के लेकर आप देख रहे हैं वैक्सीन का, हम करके मन की बात सुनने के लिए लोग जमा कर लेते हैं, ये GST लगाने के लिए पार्लियामेंट में सेशन बुला लेते हैं, तो उनका बात पर जब इतना भरोसा है तो वैक्सीन लेते क्यों नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति ले लिया, रूस का ले लिया, नाइजीरिया का ले लिया, आप उसे डरते क्यों हैं, इसलिए कि वो दोनों वो बनाने वाला है, दोनों यहाँ का क्या कहते गुजराते का, ये गुजराते देश को चला रहा है और बेच रहा है, अंडानी या अंबानी तो वित्तीय देख रहा है कि जो वैज्ञानिक गुजरात के बनाए हैं, हाँ वो एक तरीके से वैज्ञानिक नहीं वहाँ के ये है, वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक आकर अगर लोगों के सामने कहता, साइंटिस्ट बताता, एक बात थी, प्रचार तो कर रहे हैं मोदी जी ना, तो उनको अपने लेने में परेशानी कहाँ है, और एक बार खड़ा होकर कहेंगे कि हम तुम अगर पार्टी को कह देंगे कि वो ये धोती कुर्ता पहनकर नहीं कच्छा पहन के खड़ा होकर तुम ले लो वैक्सीन, सब ले लेगा जैसा उनका पार्टी में अभी चलन है, तो बोलने में दिक्कत कहाँ हो रहा है, इतने मेंबर हैं सब कुछ है, एक दिन इसी तरह थाली बजवाए, ये चिराग जलवाए, उसी तरह ही वैक्सीन लेने के लिए लाइन लगवा दे, तो इसमें लोगों का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, लोग लेगा किसको आप कह रहे हैं कि कच्चा पहन के वैक्सीन, नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर वो कह दे मोदी जी बोले कि जैसे मन की बात सुनने के लिए आप देखते हैं कि सब काम छोड़ के बैठ जाता है, वर्कर से लेके मंत्री उंत्री सब काम छोड़ के बैठ जाता है वो रेडियो सुनने के लिए, तो ये वैक्सीन लेने के लिए नहीं करेगा, करेगा ठीक। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।